अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। 4 मई 2020 से लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाने का आदेश नए दिशा निर्देशों के साथ जारी किया है। आपने इन्हें पढ़ा होगा, पर इनके कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। लॉकडाउन के इस चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक है, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टि से की गई है। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कुछ गतिविधियों पर राष्ट्रव्यापी रोक जारी रहेगी। देशव्यापी प्रतिबंध में हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा तथा सड़क द्वारा अंतरराज्यीय यात्रा पर रोक रहेगी। हालांकि मेडिकल, सुरक्षा और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए इस प्रतिबंध में छूट होगी। विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र में कुछ हद तक हम कमी को पूरा कर सकते हैं। आतिथ्य सेवाएं जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट तथा सिनेमाघर, मॉल्स, जिम, खेल परिसर, बार, ऑडिटोरियम और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलना वर्जित है। रेड जोन और ऑरेंज जोन में कुछ प्रतिबंध है पर छूट भी है। रेड और ऑरेंज जोन में जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा, यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी अन्य गतिविधि या कार्य की अनुमति नहीं है।